जो मुझे पता चला है, उन्होंने बताया कि वो जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी, वो आए और वो पीछे बैठ गए और बिना कुछ बताए उनका फ़ोटो खींचने लगे। एसडीएम सदर द्वारा मना किया गया कि फ़ोटो क्यों खींच रहे हैं, तो उस बात पे वो मतलब कोई संतोषजनक उत्तर न दे के बल्कि और न्यूशंस के मूड में आ गए, जिसके कारण उन्होंने थाने को सूचित किया और पुलिस ले गई। उसके बाद वहाँ भी उन लोगों ने कुछ विवाद किया, जिसके कारण शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उनके विरुद्ध कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई की गई और एसीएम 2 के समक्ष पेश किया गया और उनके द्वारा जेल भेजा गया। सर, उनका ये एसडीएम सदर नियमित रूप से अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तमाम भीड़ बैठी थी, उसी में कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के अनावश्यक फोटोग्राफी कर रहा था, जिस पर उनके द्वारा आपत्ति की गई। आपत्ति करने पर वो आदमी वहाँ पर न्यूशंस क्रिएट करने लगा और अनपेक्षित व्यवहार करने लगा, जिस पर उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। स्थानीय पुलिस थाना कर्नलगंज प्रभारी आए और उनको इसका कारण जानते हुए उनको ले गए थाने पर। थाने पर भी उन्होंने कुछ न्यूशंस करने का कोशिश की, जिससे उनको शांति भंग में चालान कर दिया।